अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लाना चाहते हैं और किसी दो नस्लों के बीच कंफ्यूज हैं, तो हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर देगी। वैसे ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाई गई है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं। आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। रॉटवाइलर वर्सेस जर्मन शेफर्ड। रॉटवाइलर एक लॉयल, लविंग, कॉन्फिडेंट और गार्डियन होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है और रॉटवाइलर AKC के हिसाब से 5 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। वहीं जर्मन शेफर्ड एक करेजियस, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भी जर्मनी से ही है। जर्मन शेफर्ड अमेरिकन कैनल क्लब के हिसाब से 5 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वैसे जर्मन शेफर्ड काफी समय से हमारे देश में भी सर्व करते आ रहे हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, अब चलिए कुछ मेजर फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल को लोगों तक आसानी से पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को आसानी से जान पाते हैं। वैसे पॉपुलैरिटी के मामले में जर्मन शेफर्ड नंबर 4 पर आता है, वहीं रॉटवाइलर 8th नंबर की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। टोटल अटैक्स। अगर आप एक डॉग ऑनर हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग अननेसेसरी किसी पर भी हमला करे। जर्मन शेफर्ड अपने टेम्परामेंट को लेकर बहुत अलर्ट होते हैं मगर अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं होते। 2005 से लेकर 2007 के बीच जर्मन शेफर्ड ने 20 लोगों पर अटैक करा था। वहीं रॉटवाइलर अपने एग्रेसिव टेम्परामेंट को लेकर जाने जाते हैं। 2005 से लेकर 2007 के बीच रॉटवाइलर ने 45 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 2 पर आता है। साइज एंड वेट। काफी सारे लोगों के लिए डॉग का साइज और वेट उनके कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। रॉटवाइलर की हाइट 24-27 इंचेस तक होती है और इसका वजन 40-60 केजी तक हो सकता है और ये लार्ज साइज कैटेगरी डॉग है। वहीं जर्मन शेफर्ड की हाइट 24-26 इंचेस तक हो सकती है और इसका वजन 30-40 केजी तक होता है और इस कारण ये भी लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। और लार्ज साइज डॉग होने के कारण इन दोनों नस्लों को रेगुलर एक्सरसाइजिंग की जरूरत होती है। बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। जर्मन शेफर्ड एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 238 PSI जनरेट कर सकता है, वहीं रॉटवाइलर एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 328 PSI जनरेट करता है और ये बहुत बड़ा फासला है रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड के बीच और बहुत ही आसानी से रॉटवाइलर इसमें आगे निकल जाता है। विद स्ट्रेंजर एंड किड्स। जर्मन शेफर्ड को स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत अलर्ट रहते देखा जाता है, वहीं ये बच्चों के साथ बहुत आसानी से ढल जाते हैं जो कि किसी भी डॉग ऑनर के लिए बहुत अच्छी बात है। और वहीं रॉटवाइलर भी अलर्ट होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, मगर बच्चों के साथ इन्हें कम ही रखने की सलाह दी जाती है और अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो रॉटवाइलर भी बच्चों के साथ ढल जाते हैं। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा समझ के लिए अपनी अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे पूरा कर सके। जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 7 से लेकर 10 साल होता है। वहीं 2022 की रैंकिंग में रॉटवाइलर 9th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड था और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 9 से लेकर 10 साल होता है। इंटेलिजेंस के लिए जर्मन शेफर्ड और लाइफ स्पैन के लिए रॉटवाइलर, इन दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। अब एक बार आप इन दोनों की बार्किंग भी सुन लें। हम फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं, ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाई गई है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं। आपकी जो भी निजी राय हो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।